तो यार आज हम बात करेंगे कि हमारे पास ये जो साइन होता है माइनस का, ठीक है, ये वाला साइन ये कहाँ से आया और इसकी जो हिस्ट्री क्या है और ये सारा कुछ देखते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो कॉमन जो इसकी बात की जाती है, ज़्यादातर जो मानी जाती है वो है कि इसको सबसे पहले यूज़ इस तरह किया गया कि बैरल्स होते थे, ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सामने ये लिखा हुआ है कि बैरल्स होते थे ये, ठीक है, बैरल्स को इंडिकेट करने के लिए कि कौन जो है वो किस पे काम हो गया है, मतलब कौन कौन सा बैरल भर दिया गया है और कौन सा बैरल खाली है, ये बताने के लिए इसको यूज़ किया गया, ठीक है। बाद में ये यूज़ होने लग गया ऑपरेशन सिंबल की तरह। अब मैं आपको ये बैरल दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट मैंने साथ इसके लिख दी है ये नीचे, ये वेबसाइट इस बात की तस्दीक करती है, और भी बहुत सारी वेबसाइटें हैं, एक मैंने आपको बता दी। अच्छा, और इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा होगा, ये जिस तरह ये प्लस का साइन है ये मतलब इसमें फील्ड है, ये फील्ड हो गया, और नीचे वाला अभी एम्प्टी है तो इस पे उन्होंने माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको ये भर देंगे तो ये फिर इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह, और ये कहाँ यूज़ होते थे, जर्मनी में यूज़ होते थे इस तरह के बैरल्स ना, इस तरह के साइन सबसे पहले। तो यहाँ पर ये एम्प्टी है अभी, लेकिन जब भर देंगे तब ये प्लस कर देंगे इसको, कि ये इस पे काम हो गया, ये भर दिया गया। तो सबसे पहली जो बात जो मानी जाती है वो तो ये है, ठीक है। और 1557 आपको डेट मिल गई है, तो ये हो गया। उसके बाद इसका जो सिंबल का विकिपीडिया जो आपको बताता है वो क्या बताता है कि ये या तो ये जो टिल्ट होती थी, पहले जो लिखा जाता था माइनस को वो इस तरह लिखा जाता था कि इसके ऊपर इस तरह कर दिया जाता था, ये टिल्ट सी बना दी जाती थी, और मतलब 5 और ये माइनस है आगे और 3 और इक्वल हो गया 2 के। तो बाद में क्या हुआ कि इस टिल्ट को उन्होंने सीधा कर लिया और माइनस को ख़त्म कर दिया और 5 - 3 इज़ इक्वल टू 2 होने लग गया। इसकी भी मैंने लिंक जो है ये दे दिया। अच्छा, उसके बाद या ये भी हो सकता है कि शॉर्ट हैंड वर्जन हो ये एम का, ठीक है, कि लोगों ने कहा कि एम लिखना है और एम लिखा किस तरह जाता है, ये इस तरह, तो ये ऊपर वाली चीज़ इसकी बस पकड़ ली उन्होंने और 5 - ये ऊपर वाली चीज़ एम की ये होता है ना, तो ये वाली सिर्फ चीज़ इन्होंने उठा ली और 5 - 3 इज इक्वल टू। तो ये दो थ्योरीज है इसके पीछे, अब आप पे है कि आप जो मानना चाहेंगे मान सकते हैं। ये थोड़ी मॉडर्न थ्योरी है, 1557 में आके आती है, और ये थोड़ा पहले का है, तो ये आप देख लें। अब मेरा काम था आपके सामने दोनों चीज़ों को रख देना। तो इसी तरह सारे सिंबल्स की आज वीडियोस आ रही हैं और सारी चीज़ों की आ रही हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।